गाजीपुर से किरण नाई वरिष्ठ पत्रकार की खास रिपोर्ट। डीएमएसपी ने गंगा नदी में बाढ़ के प्रकोप को देखते हुए बाढ़ प्रभावित गांवों का किया स्थलीय निरीक्षण। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर गंगा नदी में बाढ़ के प्रकोप को देखते हुए विकास खंड करंदा के ग्राम पंचायत अफीपुर, तुलसीपुर, शेरपुर एवं महावल गौ एवं अन्य बाढ़ प्रभावित गांवों का जिलाधिकारी आर्यका अखौरी एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरा राजा द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गांवों को सुरक्षित रखने एवं उनकी समस्याओं को सुनने के उपरांत उनका हाल भी जाना। गंगा नदी के तटवर्ती क्षेत्र में बनाए गए बाढ़ से प्रभावित एवं बचाव हेतु बाढ़ शरणाली केंद्र प्राथमिक विद्यालय दीनापुर का स्थलीय निरीक्षण किया। उनका हाल जाना तथा संबंधित अधिकारियों का आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि इसमें किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। बाढ़ प्रभावित गांवों का निरंतर नजर रखी जाए, किसी भी प्रकार की समस्या हो तो तत्काल निस्तारण कराई जाए। जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से अपील किया है कि जो भी गौ बाढ़ से प्रभावित हो एवं किसी प्रकार की समस्या हो तो तत्काल अपने जंदी की शरणाली केंद्र पर पहुंच जाए। जनपद स्तर पर कलेक्टरेट स्थिति जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में बाढ़ कंट्रोल रूम नंबर 0548224014174794544417103 स्थापित किया गया है, जो 24 घंटे क्रियाशील रहेगा, जिस पर बाढ़ से संबंधित किसी प्रकार की समस्याओं से अवगत करा सकते हैं। उपजिलाधिकारी सदर प्रखर, उत्तम तहसीलदार सदर, नायब तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी करंदा एवं अन्य अधिकारी कर्मचारीगण एवं बाढ़ चौकियों के प्रभारी अधिकारी उपस्थित रहे। बगल में कहा मैं आने में आधा घंटा ज्यादा सर्वे आवास के सर्विस शुरू होगा तो उसके बाद जो है वो पारदर्शी तरीके सर्वे करिएगा। लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुआ ना मैम, कब शुरू करने के बोल रखा है, तब से बोल रखा है, सुबह भी आया था। बहुत पहले का रिकॉर्ड है।